हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो पूरी देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग अ मैग्नेट स्टार्ट करते हैं माय नेम इज़ अर्शप्रीत आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सिक्स दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने चैप्टर फोर में पढ़ा था दैट वॉज़ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म उसमें क्या होता था ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था उसने क्या बोला था कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और उसके पास अगर हम कोई कंपस प्लेस करते हैं तो ये कंपस क्या दिखाती थी डिफ्लेक्शन दिखाती थी जिससे हमें पता चला था कि मूविंग चार्जेस यानी कि इस कंडक्टिंग वायर में जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं जिनकी वजह से कुछ करंट प्रोड्यूस हो रहा है एंड मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो आप सबके माइंड्स में इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आया होगा दैट इज कि क्या मूविंग मैग्नेट्स की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है आप सबने ये सोचा होगा कि जैसे मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी तो क्या मूविंग मैग्नेट्स की वजह से करंट प्रोड्यूस हो सकता है द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड और इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए किसने माइकल फारडे इन यूके एंड जोसेफ हेनरी इन यूएसए अराउंड 1830 अराउंड 1830 इन दोनों साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उससे क्या रिज़ल्ट आया कि अगर कोई क्लोज लूप है लाइक like दिस और इसके आसपास चेंजिंग मैग्नेटिक फ़ील्ड का इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर दिया जाए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस लूप में क्या हो जाएगा करंट इंड्यूस हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट एंड इस फिनोमिना को जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नोन्ज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन अब हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है इट इज़ सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने पढ़ा है चैप्टर वन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता था फाई सिम्बल होता था एंड इट वॉज इक्वल टू ई डॉट ए ई यहाँ पर क्या रहता था इलेक्ट्रिक फील्ड ए यहाँ पर क्या रहता था एरिया वेक्टर उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था अबाउट एरिया वैक्टर उस वीडियो में हमने पढ़ा था दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी सिमिलरली अगर हम आज बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मुला क्या रहेगा फाइव इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी डॉट ए सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि अगर मैंने कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई है लाइक like दिस और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई सरफेस प्लेस कर रही हूँ सपोज कोई शीट प्लेस कर रही हूँ जिसका एरिया है ए इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एरिया अब वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका यूनिट वेक्टर किस साइड रहता है प्रपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने कोई प्लेट प्लेस की है लाइक दिस तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा या इस साइड या फिर इस साइड हम कहाँ पर ले रहे हैं इस साइड जिसको मैं सिंबलाइज कर रही हूँ एन कैप से सो so, जब इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए बी ए कॉस थीटा और थीटा यहां पर क्या रहता है एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सर्फेस दैट इज एन कैप एंड मैग्नेटिक फील दैट इज बी थीटा यहां पर एंगल रहता है बिटवीन बी एंड एन कैप दैट इज यूनिट वैक्टर प्रपेंडिकुलर टू द सर्फिस अब इसके बारे में बात कर लेते हैं देख सकते हैं आप ये डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पर बी एंड ए का तो डॉट प्रोडक्ट जब भी हम दो वैक्टर्स का लेते हैं तो हमें क्या मिलता है एक स्केलर क्वान्टिटी तो यहाँ से हमें पता चला दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वान्टिटी एंड इसके यूनिट्स क्या रहते हैं बी के यूनिट्स मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स मैंने आपको लास्ट चैप्टर्स में करवाए थे मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स होते हैं टेस्ला टेस्ला एंड एरिया किस में हम लेंगे ऐसा यूनिट्स में अगर मैं बात कर रही हूं तो एरिया होगा मीटर स्क्वायर में तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर का नाम क्या होता है वेबर तो मेरे पास यूनिट्स क्या आ गए मैग्नेटिक फ्लक्स के वेबर दैट इज डब्ल्यू बी अब मैंने आपको जिस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था फ्लक्स की डिपेंडेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे होती है एंड फ्लक्स की डिपेंडेंस एरिया पे कैसे होती है ये सेम यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होगा बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड अब हम फाइन करेंगे कि ये फ्लक्स मैक्सिमम कब होती है एंड मिनिमम कब होती है देखिए फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला है बी ए कॉस थीटा अगर मैंने B, दैट इज़ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फिक्स ले ली है सपोज आई हैव टेकन दिस वैल्यू एज़ ज़ीरो पॉइंट फाइव टेस्ला एंड जो मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी सरफेस को प्लेस किया है उसका एरिया भी फिक्स है सपोज मैं ले लेती हूँ एरिया इज़ फाइव मीटर स्क्वायर तो अब B भी फिक्स है A भी फिक्स है तो वेरी क्या कर रहा है कॉस थीटा सो so, कॉस थीटा डिसाइड करेगा कि ये फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या हो सकता है वन मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या लेंगे कि कॉस थीटा वन बन जाए तो इस कंडीशन में, में मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी ज़ीरो डिग्री एंड मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी जब मैं यहाँ पर पुट करूँगी कॉस ऑफ जीरो डिग्री तो उसकी वैल्यू होगी वन एंड मैं फ्लक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी बी इंटू ए एंड जो ये वैल्यू आई है फ्लक्स की दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी जब कॉस थीटा मिनिमम होगा जब कॉस थीटा मिनिमम होगा यानी कि ज़ीरो होगा और कॉस थीटा ज़ीरो कब होता है नाइन्टी डिग्री पे जब थीटा हो जाए नाइन्टी डिग्री तो इस केस में मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो अब ये जो थीटा है नाइन्टी डिग्री एंड जीरो डिग्री इसको आप कैसे समझेंगे देखिए सबसे पहले हमने देखना है जीरो डिग्री ज़ीरो डिग्री का मतलब है इस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ जा रही है और एरिया वेक्टर दैट इज़ एन कैप ये भी इस तरफ जा रहा है तो इन दोनों के बीच में एंगल हुआ जीरो डिग्री और इस टाइम पे मेरे पास फ्लक्स क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी सेकेंड केस ले रहे हैं हम जब थीटा मेरे पास क्या हो जाए 90 डिग्री उसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड थी और जैसे मैंने प्लेट इस साइड रखी थी जब जीरो डिग्री एंगल बना था अब मैं प्लेट को रख रही हूँ लाइक दिस तो इस केस में क्या हो जाएगा मेरे पास एन कैप ऊपर की साइड आएगा मतलब यूनिट वेक्टर ऊपर वाली साइड आएगा लाइक like दिस तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन कैप एंड बी के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री एंड इस कॉन्फिग्रेशन के लिए मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारे पास इस फॉर्मूला से आती है कौन से फॉर्मूला से ये वाली फाइव इज इक्वल्स टू बी ए से आप बी को लिख सकते हैं फाइव बाई एंड इस बी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन अब हम स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाई फेरेडे एंड हैनरी अभी तक जो हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था उस टाइम पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या थी यूनिफॉर्म थी बट अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो या फिर हमारे पास कोई सर्फेस है लाइक like दिस इस सर्फेस की अगर मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे करूंगी इस सर्फेस को मैं डिवाइड करूँगी स्मॉल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में लाइक like दिस मतलब ऐसे में बहुत सारे एरिया एलिमेंट्स ले लूंगी सपोज मैंने इसका नाम दिया है डी ए वन दिस इज डी ए टू डी ए थ्री लाइक सो ऑन तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू दिस सरफेस वेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं मैंने यूनिफॉर्म फील्ड नहीं बनाई है दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड तो उस केस में मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्लक्स टोटल इज ईक्वल्स टू फ्लक्स वन प्लस फ्लक्स टू प्लस फ्लक्स थ्री एंड सो ऑन फ्लक्स वन क्या रहेगा यहाँ पर फर्स्ट एरिया एलिमेंट की वजह से जो फ्लक्स आई है दैट इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए वन प्लस बी डॉट डी ए टू सो ऑन इस बी की वैल्यू भी डिफरेंट होगी अगर मेरे पास फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस फेस वेन प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है तो इन सबका जब मैं सम ले लूँगी तो मैं इसको लिख सकती हूँ समीशन एन बी डॉट डी ए एंड इसमें अगर मैं कंडीशन लगा देती हूँ दैट इज जो सरफेस एलिमेंट्स हैं दैट इज डी ए ये बहुत ही छोटे हैं लाइक दिस सपोज मैंने ये बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स ले रखे हैं इतने बड़े नहीं ले रखे तो उस कंडीशन में मेरे पास फ्लक्स क्या आ जाएगी फ्लक्स टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए तो हमारे पास टोटल फ्लक्स ड्यू टू दिस सर्फेस वेन प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए अब हम आगे स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म बाय फेरडे एंड हैनरी देखिए फेरेडे एंड हैंनरी ने बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे टू स्टडी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसमें से आज हम स्टडी करेंगे थ्री एक्सपेरिमेंट्स फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है देखिए करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट इसका क्या मतलब है ये जो मैंने सेटअप बना रखा है दिस इज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट मैं आपको सबसे पहले सेटअप एक्सप्लेन करूंगी इसमें हम क्या लेते हैं एक कॉयल लेते हैं दैट इज ऑफ कंडक्टिंग वायर और वो कंडक्टिंग वायर्स क्या होती हैं इंसुलेटेड होती हैं इसका मतलब मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था सोलिनॉयड की कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो में उसमें मैंने आपको इंसुलेटेड वायर भी दिखाई थी ठीक है तो इसमें हमने एक कॉयल बनाया है विद अ इंसुलेटेड वायर विच इज़ ऑफ कंडक्टिंग मटीरियल और उसको हमने कनेक्ट किया है विद अ गिल्वानोमीटर गिल्वानोमीटर क्या होता है इसकी भी कंस्ट्रक्शन हमने अच्छे से पढ़ रखी है गिलवानोमीटर बेसिकली डिटेक्ट करता है इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट एंड साथ में हमने लिया है एक बार मैग्नेट दिस इज नोन एज बार मैग्नेट इसके दो पोल्स हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इस सेटअप में क्या ऑब्जर्वेशन करी फैराडे एंड हेनरी ने हम वो आज स्टडी करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं मैं आपको बोलकर बताऊंगी ऑब्जर्वेशन ठीक है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि जब इस बार मैग्नेट को पुश किया गया टुवर्ड्स दिस कॉयल तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि गिल्वानोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन शो करी है और उस डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में कुछ करंट इंड्यूस हुआ है ठीक है तो इस करंट इंड्यूस को हमने स्टडी किया ड्यू टू दी मोशन ऑफ मैग्नेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब मैं इस मैग्नेट को पुश करती हूँ टुवर्ड्स दिस कॉयल उस टाइम पे गिलवानोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन शो करी यानी कि करंट इंड्यूस हुआ सर्किट में अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखी कि अगर मैं इस बार मैग्नेट को इससे दूर लेकर जाती हूँ इस कॉयल से अगर मैं इस बार मैग्नेट को दूर लेकर जा रही हूँ तो अगेन गिलवानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन सपोज जब मैं इसको पास लेकर आई थी तो गिलवानोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुई थी इस साइड एंड जब मैं इसको दूर लेकर गई तो गिलवानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी इन दी ऑपोजिट साइड और यहाँ से हमें क्या पता चला कि गिलवानोमीटर हमेशा डिफ्लेक्शन शो करता है जब भी बार मैग्नेट क्या करता है मूव करता है अगर हम इस बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख दें, मतलब अपनी जगह से नहीं हिलाते उस टाइम पर गलवानोमीटर कोई भी डिफ्लैक्शन शो नहीं करेगा दैट वॉज थर्ड ऑब्जर्वेशन थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया जाए देन नो नो डिफ्लेक्शन एंड नो डिफ्लेक्शन मीन्स नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट अब चौथी ऑब्जर्वेशन क्या थी देखिए अब हम यहां पर लेकर आए थे नॉर्थ पोल को अगर इस मैग्नेट को हम उल्टा कर दें यानी कि अगर हम यहां पर साउथ एंड यहां पर नॉर्थ ले आए तो उस टाइम पे जब मैं इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ पुश करूँगी तो पहले अगर मुझे पुश करने पे डायरेक्शन इस साइड मिली थी अब साउथ पोल की वजह से डायरेक्शन कहाँ मिलेगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन एंड अगर मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल से दूर लेकर जाऊंगी तो मुझे डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगी इस साइड तो यहां से हमें पता चला कि नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑपोजिट बिहेवियर्स शो करते हैं उसके बाद उन्होंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी कि ये जो डिफ्लेक्शन थी ये लार्जर कैसे हो सकती है अगर मैं इस बार मैग्नेट को फास्टर मूव करूं यानी कि मैं इस बार मैग्नेट को बहुत तेजी से इस कॉयल के पास ले कर और उतनी ही तेजी से वापस लेके जाऊं लाइक like दिस अगर ये मोशन बहुत फास्ट होगा तो डिफ्लेक्शन इन द गवानोमीटर विल बी लार्ज एंड लार्ज डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जो करंट इंड्यूस हो रहा है इस सर्किट में दैट इज ऑल्सो लार्ज तो इन सारी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या स्टडी किया कि अगर रिलेटिव मोशन है रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है अभी तक मैं आपको मोशन बताती आई थी सिर्फ बार मैग्नेट का अगर आप ऐसा करें कि बार मैग्नेट को स्टेशनरी रख के कॉयल को मूव करें इसके पास तो भी सेम ही रिजल्ट ऑब्जर्व हुए इन गिल्वानोमीटर तब भी गिलवानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करी ठीक है तो यहां से पता चला हमें कि अगर रिलेटिव मोशन है इफ देअर इज़ रिलेटिव मोशन बिटवीन बार मैग्नेट एंड कॉयल इन दैट केस इंड्यूज ई एम एफ और इंड्यूज करंट इज ऑब्जर्व्ड राइट और यहाँ से हमें पता चला कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है अब ये जो लाइन्स निकल रही हैं दिस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स अभी हमने पढ़ा था अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मैं इस बार मैग्नेट को इसके पास लेकर आ रही हूँ मतलब ज़्यादा लाइन्स इस कॉयल में से निकलेंगी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगी एंड जब मैं इस बार मैग्नेट को दूर लेकर जाऊंगी इस कॉयल से तो उस टाइम पे क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स विल डिक्रीज एंड इसी चेंज की वजह से दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा इंड्यूस हो जाएगी एक ई एम एफ इंड्यूस हो जाएगी एक ईएमएफ एंड इसी ईएमएफ की वजह से इंड्यूस हो जाएगा एक करंट दैट इज़ नोन एज इंड्यूस्ड करंट एंड उसी करंट की वजह से मेरे पास गिलवानोमीटर में क्या हो जाएगी डिफ्लेक्शन हो जाएगी सो हमारे पास टोटल प्रोसेस क्या रहता है कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट चेंजेस ड्यू टू दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द सर्किट एंड ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड ई एम एफ करंट कम्स इन द सर्किट

दैट हैज वोल्टेज वी एंड उस बैटरी की वजह से इस कॉयल में एक करंट प्रोड्यूस होगा और इस करंट की वजह से मैं देखूंगी कि कितना इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है इन कॉयल सी तो हमारे पास यहाँ पर दो कॉय्स हैं सी एंड सी डैश सी कॉयल किसका बना हुआ है कंडक्टिंग वायर्स का कंडक्टिंग वायर्स का मटेरियल है दैट इज़ इंसुलेटेड मटेरियल, एंड इस कॉयल को कनेक्ट किया गया है विद अ गलवानोमीटर जो हमें डिफ्लेक्शन देगा अगर इस सर्किट में कहीं भी करंट प्रोड्यूस होगा एंड हमारे पास दूसरा लिया गया है कोयल सी डैश और इस कॉयल को कनेक्ट किया गया है विद अ बैटरी वी देखिए अब इनिशियली क्या होगा जैसे वहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया था यहाँ पर भी हम कुछ ऑब्जर्वेशन स्टडी करेंगे एक्चुअल में ये ऑब्जर्वेशन किसने स्टडी कर रखी हैं है एंड हेनरी ने पहली ऑब्जर्वेशन थी कि अगर मैं इस कॉल सी डैश को पुश करती हूँ टुवर्ड्स द कोयल सी जैसे वहां पे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में मैंने बार मैग्नेट को पुश किया था कॉयल सी की तरफ यहाँ पे मैं पुश कर रही हूँ सी डैश के सेटअप को टुवर्ड्स कॉयल सी तो क्या ऑब्जर्व हुआ गिलवानोमीटर में डिफ्लेक्शन तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि गिल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन हुई है और इस गिल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ कोयल सी डैश टूवर्ड्स एंड इंड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से गिलवेनोमीटर ने हमें क्या शो करी है डिफ्लेक्शन शो करी है सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी कि अगर कि अगर यहाँ पर मैं कॉयल सी डैश को अवे लेकर जाती हूँ कॉयल सी से तो उस टाइम पर भी क्या होगा गिल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा एंड इसने डिफ्लेक्शन शो करी मतलब इसने कुछ करंट डिटेक्ट किया है एंड दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट अगर पहले डिफ्लेक्शन आई थी इस डायरेक्शन में जब हमने इसको मूव किया था टूवर्ड्स कॉइल सी अगर डिफ्लेक्शन आई थी उस वे में तो दूसरे टाइम पे हमारे पास कैसे डिफ्लेक्शन आएगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर मैं बहुत तेजी से कोयल सी डैश को मूव करती हूँ टूवर्ड्स सी या फिर उसको दूर लेकर जाती हूँ तो उस टाइम पर क्या होगा मेरे पास डिफ्लिक्शन प्रोड्यूस होगी और वो डिफ्लैक्शन क्या होगी लार्जर होगी लार्जर डिफ्लेक्शन से मतलब क्या है कि अगर पहले गिल्वानोमीटर इतना डिफ्लेक्ट कर रहा था तो अब कितना डिफ्लेक्ट करेगा इतना यानी कि डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी तो यहाँ से ही इसने थ्री ऑब्जर्वेशंस स्टडी करी और इन ऑब्जर्वेशन का उसने रिजल्ट क्या निकाला कि जब भी रिलेटिव मोशन रहता है इन द कोईल सी एंड सी डैश उस टाइम पर क्या होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एंड ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स गिलवानोमीटर शो करेगा हमें डिफ्लेक्शन तो इस एक्सपेरिमेंट में भी यही स्टडी किया गया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है आई रिपीट दिस पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रेजेंट होना और मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना ये दो अलग बातें हैं यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी जब मैं इस कॉयल को इसके पास लेकर आऊँगी सी डैश कॉयल को सी की तरफ लेकर आऊँगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगी आप देखेंगे ये लाइन्स जो हैं ये ज़्यादा निकलेंगी सी की तरफ और अगर मैं इस सी डैश को दूर लेकर जाऊंगी इस सी से तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगी ये लाइंस अब ये दूर चला गया तो इस टाइम पर ये सारी लाइंस सी में से क्रॉस नहीं हो पाएंगी तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स इन सर्किट सी चेंजेस तो उसकी वजह से मेरे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेजेंट होगा और उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से मेरे पास इंड्यूस्ड करंट प्रेजेंट होगा और उस इंड्यूस्ड करंट की वजह से मेरे पास गेलवानोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा अब हम स्टडी करेंगे अबाउट थर्ड एक्सपेरिमेंट दैट इज़ इंड्यूस्ड करंट बाई चेंजिंग करंट अब देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा कि अगर रिलेटिव मोशन होगी बार मैग्नेट की विथ कोयल सी या फिर कोयल सी डैश की विद कोयल सी तभी हमारे पास इंड्यूसड करंट प्रोड्यूस होगा बट फारडे ने क्या बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिलेटिव मोशन की वजह से ही इंड्यूसड करंट प्रोड्यूस हो अब उसने थर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें कोयल सी डैश एंड सी दोनों को क्या रखा गया स्टेशनरी रखा गया और इस टाइम पर भी ऑब्जर्वेशन की गई कि हमारे पास इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा इन कॉयल सी यहाँ पे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट का इसमें हमारे पास दो सर्किट्स हैं पहला है हमारे पास कॉयल सी ये कोयल सी भी क्या बना हुआ है कंडक्टिंग वायर्स का बना हुआ है विच इज़ ऑफ इंसुलेटिंग मटीरियल एंड इस के साथ हमने कनेक्ट किया है एक गिलवानोमीटर जो डिटेक्ट करेगा अगर इस सर्किट में कोई भी करंट प्रोड्यूस हुआ एंड सेकेंड यहाँ पे लिया गया है कनेक्टेड टू अ बैटरी जिसकी वोल्टेज है एंड पर जो ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है कि सी डैश में हमने एक टैपिंग की का यूज किया है दिस इज नोन एज टैपिंग की अब हम ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करेंगे देखिए फ़र्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इनिशियली जब मैंने की को ओपन रखा है टैप नहीं किया हुआ उस टाइम पर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ था कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं की थी गिलबैनोमीटर ने बट उसके बाद क्या होता है जैसे ही मैं इस की को टैप करती हूँ टैप मीन्स मैं इसको क्लोज कर देती हूँ उस टाइम पर क्या होगा कुछ करंट प्रोड्यूस होगा यानी कि देखें सपोज आप इसको ऐसे समझिए कि आपने अपना फ़ोन चार्ज पर लगाया है आप पीछे से स्विच ऑन करते हैं वो बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगता है थ्रू वायर करंट को ट्रेवल होने में टेली योर फ़ोन तो उस माइक्रो सेकेंड्स से टाइम में क्या होता है करंट इंक्रीज़ होता है फ्रॉम ज़ीरो टू तो सम मैक्सिमम वैल्यू तो जैसे ही मैं ये की को क्लोज करूंगी करंट इंक्रीज होगा फ्रॉम ज़ीरो टू तो मैक्सिमम वैल्यू एंड हमने चैप्टर फोर में पढ़ा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है अराउंड इट तो जब मेरे पास करंट मैक्सिमम होगा उस टाइम पर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी यानी कि ये इंक्रीज करेगी फ्रॉम ज़ीरो टू मैक्सिमम वैल्यू तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके साथ लिंक्ड होगी कॉयल सी के साथ, साथ यानी कि इस टाइम पर मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज मेरे पास गिलवानोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन क्योंकि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है उस टाइम पर इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रोड्यूस होता है उस इंड्यूस्ड ई एम एफ की वजह से इंड्यूसड करंट आता है एंड ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड करंट हमारे पास गिलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है इस एक्सपेरिमेंट में आपको याद क्या रखना है जो ये डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रही है ये गिलवानोमीटर में दैट इज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन यानी कि यानी कि एक मोमेंट के लिए यानी कि सिर्फ इतने टाइम के लिए डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी मेरे कहने का मतलब है जैसे ही हम इस की को क्लोज़ करेंगे गिलवानोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करेगा उसके बाद वो फिर से क्या हो जाएगा स्टिल हो जाएगा मतलब हमारे पास मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आई उसके बाद गिलवानोमीटर स्टिल हो गया फिर से एंड इस टाइम पर अगर मैं की को ऑन भी रखती हूँ मैं प्रेस करके रखती हूँ की को उस टाइम पर कोई भी गिलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी सॉरी सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी कि अगर मैं इस की को ओपन कर देती हूँ पहले मैंने क्लोज़ किया था अगर मैं इस की को ओपन कर देती हूँ उस टाइम पर क्या होगा करंट डिक्रीज़ होगा फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से जीरो की तरफ अप्रोच करेगा करंट जब आप चार्जर ऑफ कर देते हैं तो आपके पास चार्जिंग होनी बंद हो जाती है मतलब करंट डिक्रीज हो जाता है टू जीरो वैल्यू एंड इस टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगी टू जीरो वैल्यू यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज हो जाएगी टू जीरो वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस एंड ड्यू टू दिस डिक्रीज़ हमारे पास क्या हो जाएगा जो इंड्यूस्ड करंट है वो अब ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा तो इस टाइम पर भी क्या होगा गिल्वानोमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन बहुत ही थोड़े टाइम के लिए मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आई रिपीट मोमेंटरी डिफ्लेक्शन मीन्स बहुत ही एक मोमेंट की डिफ्लेक्शन शो करेगा तो यहाँ से हमें पता चला कि अगर हमने रिलेटिव मोशन नहीं किया दोनों कोयल्स का फिर भी अगर हम की को प्रेस करते हैं जिस टाइम हम प्रेस कर रहे हैं या फिर हम टैपिंग की को ओपन कर रहे हैं तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस्ड करंट एंड इसको वेरीफाई किसने किया गिलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन में एंड इस गिलवानोमीटर की डिफ्लेक्शन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं कि अगर आप इन दोनों कोयल्स के सेंटर में कनेक्ट करके रख दें एक आयरन रॉड को इस आयरन रॉड की वजह से क्या हो जाएगा आयरन रॉड अब किस मटेरियल की बनी होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में मैंने आपको लास्ट चैप्टर इन डिटेल पढ़ाया था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं तो यूजिंग दिस आयरन रॉड इन बिटवीन दीज टू कोयल्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कोयल विल इंक्रीज और डिक्रीज मोर इफेक्टिवली एज आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा मोर इफेक्टिवली उसकी वजह से इंड्यूज ई आएगा इस इंड्यूस्ड ई की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा एंड गिल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा आयरन रॉड के केस में हमें ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन मिलेगी तीनों एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद हमें ये पता चला कि जब भी हमारे पास सर्किट में कौन से सर्किट में ये वाले सर्किट में जिसमें हम इंड्यूस करंट को स्टडी कर रहे हैं इस सर्किट में जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द सर्किट विल चेंज एंड इंड्यूस्ड ई एम एफ इज प्रोड्यूस्ड एंड ड्यू टू दैट इंड्यूस्ड ई एम एफ इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड एंड द गवेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इस इंड्यूज करंट एंड इस इंड्यूज ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है दैट इज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो फैरडेज लॉ ऑफ इंडक्शन टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड एंजॉय फिजिक्स एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल आई विज एजुकेशन